Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैंसर असेंडेंट पे आजकल बात कर रहे हैं और कैंसर असेंडेंट में मून की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि अगर कैंसर असेंडेंट का मून सेकंड हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन में चंद्रमा की प्लेसमेंट दूसरे भाव में कैसे फल देती है। देखिए दोस्तों, दूसरा भाव जो है वो सूर्य देव का है और कैंसर असेंडेंट लोगों के लिए ये बड़ा भाग्य है कि उनका सेकंड हाउस बड़ा रॉयल हाउस है, रीगल हाउस है। दे बिलोंग टू अ वेरी वेरी यू कैन से गुड फैमिली, अच्छी एक रॉयल एंड रीगल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। चाहे इनके पास पैसे हों या ना हों, लेकिन इनका एटीट्यूड रीगल ही होता है फैमिली का, और लीनियज वगैरह काफी रॉयल मानी जाती है कैंसर असेंडेंट के लोगों की। और सेकंड हाउस से हम देखते हैं आपका पेरेंटल फैमिली, उनकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एसेट्स, स्पीच पैटर्न, लीनियज, फूड हैबिट्स, ये वाली सारी चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब लगन का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो यानी कि आप कहीं ना कहीं योर मेन मोटिव इज फैमिली एंड वेल्थ। तो क्योंकि आप आपका लगन का स्वामी, आप खुद ही उठ के अपने परिवार में बैठ गए, तो परिवार आप का बहुत आपको पसंद करेगा, आप भी परिवार को लाइक करोगे और पारिवारिक बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, परिवार के साथ मिलजुल के आप काम कर सकते हैं, किसी भी परिवार के ऑक्यूपेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार की वेल्थ को आप बढ़ाने का काम कर सकते हैं। स्पीच आपकी अच्छी होगी लेकिन थोड़ा सा फुल ऑफ ईगो होगी, नेचर आपकी फायरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ सूर्य की राशि है जो आपको थोड़ा सा अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, जो आपको थोड़ा प्राउड भी देगा, ईगो भी देगा, सेल्फ एस्टीम देगा, और आप थोड़ा सा अपने परिवार को लेकर थोड़े घमंडी भी रहोगे। पैसे की, परिवार का जो पैसा इकट्ठा है उसको आप पूरा यूटिलाइज करोगे, उसकी आपको सपोर्ट भी मिलेगी, उसको आप इंक्रीज करने में पूरी जान लगाओगे, पूरी कोशिश करोगे। मूड स्विंग्स आपके यहां पर ऊपर नीचे रह सकते हैं, हालांकि एटीट्यूड आपका फिक्स्ड होगा। उसका रीजन यह है कि सूर्य आपको एक फिक्स्ड एटीट्यूड देता है लेकिन मून आपको मूड स्विंग्स हमेशा वेरी करते रहते हैं, ये मून की बेसिक नेचर है। यहां पर आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, वो किस तरीके से होंगे वो हम आपको आगे नक्षत्रों के साथ बताएंगे। परिवार का आप पूरा ध्यान रखोगे, इमोशनली अटैच्ड रहोगे, अपनी मदर से ज्यादा अटैच्ड रहोगे, और यहां पर काफी खुश दिल रहोगे आप, एक अच्छी खासी वेल्थ वगैरह आपके पास होनी चाहिए या आप अपनी लाइफ में इकट्ठा करोगे। ज्यादातर आपका बिजनेस, आपका जो माइंड होगा वो बिजनेस माइंड होगा, यानी कि यू विल बी ए बिजनेस माइंडेड पर्सन। फैमिली वेल्थ में पूरा पार्टिसिपेशन और इनहेरिटेंस का योग भी ये मून बनाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि आठवें घर पे भी है जो कि हमारी इनहेरिटेंस का हाउस है। और यहां पर मेंटल इनस्टेबिलिटी रहेगी, आप वेल्थी तो रहोगे लेकिन आपकी वेल्थ में फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, क्योंकि मून जो है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पोजीशन में हमेशा रहता है, बड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। कभी कभी आपको रिजल्ट्स बड़े फास्ट मिल सकते हैं अपने बिजनेस में, कभी बहुत गेंस मिल सकते हैं, कभी लॉसेज या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर आपका कृष्ण पक्ष का मून है तो थोड़ा सा यहां पर कभी कभी नुकसान होने के चांसेस बनेंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। अगर आपका शुक्ल पक्ष का मून है तो ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस बनेंगे।
आप इमोशनली अग्रेसिव हो सकते हैं और आप में थोड़ा सा ईगो एलिमेंट ज्यादा हो सकता है। अगर वैसे ओवरऑल हम कंडीशन देखें तो मून में सूर्य का बल होगा, करेज होगा, यहाँ लोग करेजियस होते हैं, बली होते हैं, क्योंकि सूर्य के घर में लगन का स्वामी बैठा है तो सूर्य का बल आ जाएगा, सूर्य की हीट आ जाएगी, यानी आपका नेचर को थोड़ा सा एंग्री या एग्रेसिव बना देगा। वेल्थ के मामले में बहुत अच्छा है, स्पीच के मामले में थोड़ा सा प्राउडर हो गए आप, थोड़ी सी आपकी स्पीच में अथॉरिटी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा बोस्टफुल रहोगे अपनी वेल्थ को लेके, स्पीच को लेके। खाने पीने की आदतें खराब रहेंगी क्योंकि मून में यहाँ पर सूर्य और मून, ये खाने पीने की ऊपर नीचे आदतें रहेंगी आपकी। आप जो है उल्टा सीधा खा सकते हो, कुछ स्पाइसी फूड भी खा सकते हो, कुछ मीठा भी खा सकते हो। फेस पे आपके अट्रैक्शन रहेगी, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगी, थोड़ा नेचर आपकी सेंसुअल होगी। सेक्स एंड रिलेशनशिप के मामले में आप ज्यादा आगे होगे और कुछ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को आगे बढ़ाओगे, फैमिली लीनेज को आगे बढ़ाओगे। आप जो भी आपके फैमिली का ट्रेडिशन होगा या कल्चर होगा उसको आप आगे बढ़ाओगे। तो ये वाली सारी चीजें आपको यहां बैठा हुआ मून देगा। अब देखिए यहां पर तीन नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों, एक है मघा नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, और एक है यहां पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उसके भी चार चरण मिलते हैं, केतु का मघा नक्षत्र के भी चारों चरण यही मिलते हैं, और फिर एक है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है। तो अगर ये मून मघा नक्षत्र में आ जाए तो इसका मतलब आप किसी भी पूर्वज का जन्म लेके आते हैं इस परिवार में, ऐसा माना जाता है। मघा नक्षत्र जो है पितृ का नक्षत्र है और केतु भी हमारी पास्ट लाइफ का संबंध है केतु से, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस फैमिली में, चंद्र आपका सेकंड हाउस में मघा नक्षत्र में है, तो आप किसी पूर्वज का जन्म लेके इस परिवार में आए हैं और आपकी जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो किसी न किसी पूर्वज से मिलती होगी, शक्ल भी मिल सकती है। लेकिन केतु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र, मघा नक्षत्र हम बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं मानते। यहां पर अगर इंसान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए तो ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड ज्यादा हो जाता है अगर मघा नक्षत्र में आपका मून पड़ा हुआ है। तो मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है, एक डिटैचमेंट की फीलिंग देता है, परिवार में बैठ के भी परिवार से थोड़ा सा आदमी डिटैच रहता है। लेकिन मघा नक्षत्र है काफी अच्छा नक्षत्र। तो दोस्तों यहां पर अगर मघा नक्षत्र में हमारा मून है तो थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहती हैं क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर मून है तो आप मेडिसिंस के काम में अच्छी सक्सेस ले सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के काम में अच्छी सक्सेस ले सकते हो, किसी एनजीओ वगैरह में अच्छे काम कर सकते हो, और थोड़े बहुत आपको यहां पर खर्चे या नुकसान होने के भी चांसेस केतुदेव जरूर बनाएंगे। और दूसरा यह नक्षत्र मिलता है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र देव का है और अगर शुक्र देव के नक्षत्र में मून है तो हालांकि एनिमी साइन है, एनिमी का नक्षत्र है, लेकिन शुक्र देव की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि यहां पर आपको किस तरीके के फल मिलेंगे, वेल्थ और फैमिली से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। शुक्र भी इस लगन में चौथे घर का मालिक है, ऑस्पिशियस हाउस का मालिक है, और उधर से अगर शुक्र की दूसरी राशि देखी जाए तो ग्यारहवें घर में पड़ी हुई है, तो एक उसके पास इलेवंथ हाउस है, दूसरा फोर्थ हाउस है, मूल त्रिकोण राशि फोर्थ हाउस की है, तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है
या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही डायनामिक हो गया, बहुत ही बेनिफिशियल हो गया, आपको बहुत ही वेल्थ देगा। और वैसे भी मून का यहां आना वेल्थ योग तो ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन अगर शुक्र ने भी सपोर्ट कर दिया या शुक्र किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गया तो आपको यहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि वीनस से भी हम सारी यही चीजें देखते हैं, वेल्थ है, लिक्विड कैश है, रिलेशनशिप्स हैं, या शानो शौकत है, खाना पीना है, पहनना है, एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप्स हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में मून अच्छे फल देंगे जब शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होगी। अगर शुक्र की प्लेसमेंट का संबंध 12वें से हो गया तो खर्चे बढ़ जाएंगे, वेल्थ का लॉस होगा। 8वें में हो गया तो ये इनहेरिटेंस का योग तो बना देगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स काफी रहेंगे प्रोफेशन में। 6ठे घर में मेहनत बहुत ज्यादा करवा देगा। तो शुक्र की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्लेसमेंट आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मून आपको वेल्थ और फैमिली रिलेशनशिप्स के मामले में किस तरह का फल देगा। और तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का है, उसमें सूर्यदेव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये आपको नक्षत्र किस तरह के फल देगा। अगर सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, इट इज अमेजिंग प्लेसमेंट। या सूर्यदेव नीच के ना हो, 4th हाउस में ना हो, 5th हाउस में आ जाए, या जो है 10th हाउस में आ जाए, मंगल की राशि में आ जाए, तो भी आपको बहुत अच्छे यहां पर फल मिलेंगे, या लगन में ही आ जाए। अगर सूर्यदेव 6ठे 8वें 12वें में चले गए या नीच के चले गए 4थे घर में, तो यहां पर परेशानियां रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में भी केतु की प्लेसमेंट जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी केतु बहुत अच्छा बैठा होता है और हमें बहुत अच्छे फल भी देता है। तो केतु की प्लेसमेंट अगर किसी अच्छे घर में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो फिर मघ नक्षत्र में चंद्र भी आपको वेल्थ से ब्लेस कर सकता है। लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो वेल्थ को ज्यादा होल्ड नहीं करवाता, इकट्ठा पैसा एक्यूमुलेट नहीं करवाता, तो कहीं ना कहीं पैसा निकलता भी रहता है। लेकिन हाँ, अगर केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो ये ठीक फल देगा आपको, बहुत अच्छे नहीं देगा तो बुरे, बहुत बुरे भी नहीं देगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये नक्षत्र के लॉर्ड इन्फ्लुएंस करेंगे यहां बैठे हुए चंद्र को और अपने रिजल्ट्स लेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ दिस इज ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। अगर आप हमारे से कंसल्ट करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीफोन नंबर से हमें व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, एक पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को एस्ट्रोलॉजिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून। टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक्स अ लॉट।